हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेट्स। हाँ, डेट्स को प्रिंट करा सकते हैं, अपने डिस्प्ले करा सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसे कैसे कैसे कराएंगे? द डेट ऑब्जेक्ट, जो आपका डेट ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड करा रखा है, तो उससे आप ईयर्स निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, डेज निकाल सकते हैं, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो डेट का फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा आपका, आप नीचे देख सकते हैं, लिखा रहा है सैटरडे सेप्टेम्बर 9, 2017, 11:33:10 GMT ग्रीनविच मीन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि लंदन का टाइम होता है। तो ये आप नेट पर रिसर्च कर सकते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। इस पर हम जनरली फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि डेट फॉर्मेट कैसे काम करता है आपका। तो सामने आपके एग्जांपल है जिसमें कि डेट फंक्शन आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट में आप डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी डेमो इनर एचटीएमएल इक्वल टू डेट फंक्शन, तो आपका ये डेट फंक्शन की तरह वर्क करता है, एक ऑब्जेक्ट है वैसे ये। तो हम मेन फोकस इस पे करेंगे, डेट फंक्शन कैसे बनता है। और नेक्स्ट आपका, आप नीचे देख सकते हैं सेकेंड स्क्रिप्ट जो है उसमें लिख रहा हुआ है वेरिएबल डी इक्वल टू न्यू डेट। तो न्यू डेट ये सब क्या करता है, तो ये दोनों चीज़ें हम अभी देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो उसको वर्क कराने के लिए अपने नोटपैड पे जाएंगे। तो नोटपैड में सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, किसी भी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले जो लिखी जाती है। तो स्क्रिप्ट ओपनिंग और टैग क्लोजिंग टैग हो चुका है आपका। इसके बाद आप एक डायरेक्टली प्रिंट कराना है आपको अगर डेट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि आउटपुट के लिए यूज़ आता है हमारा। इसके बाद आपका डेट फंक्शन जो है यूज़ करेंगे, इसको कराएंगे हम सेव। सेव हमने करा दिया है jsdates.html से इसे सेव करा दिया है। इसे हम कराएंगे, इसमें हम ओपन कराएंगे। जैसे इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टाइम यहाँ पर आ चुका है मंडे सितंबर 11, 2017 जो कि आज की डेट है। ये टाइम हो रहा है आपका, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। अगर आपको ऑब्जेक्ट बना के करना है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जैसे कोई भी वेरिएबल ले लेंगे ए, ठीक है ना, जो कि हमें पता है कि वेरिएबल कैसे लेते हैं, एक कंटेनर होता है ये। और आपका जो डेट जो है एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में डालने के लिए, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू जो फंक्शन है हमारा, ये कीवर्ड है आपका न्यू कीवर्ड। ये फंक्शन क्या होता है इसका, न्यू कीवर्ड क्या करता है आपका, जो डेट ऑब्जेक्ट है आपका वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब कि नई मेमोरी क्रिएट करता है और इसमें आपका डाल देता है। और इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो डेट है पूरी वो इसमें आ चुकी है, इसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ए क्रिएट करा है, तो ऐसे ही आप 10 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं नए नए डेट्स के लिए। तो उसे हम करेंगे सेव। जैसे ही इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपका टाइम देखिए बदल चुका है यहाँ पर। उसे रिफ़्रेश कराते रहेंगे तो हमारा हर सेकंड पे हम रिफ़्रेश करा रहे हैं तो आपका टाइम जो है चेंज हो रहा है। तो उस तरह से आपका रियल टाइम में ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन यू डिस्प्ले अ डेट ऑब्जेक्ट इन एचटीएमएल इट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। द यूटीसी, जो यूटीसी स्ट्रिंग जो मेथड है आपका, टू यूटीसी स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट अ डेट टू ए यूटीसी स्ट्रिंग जो कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है। ये आप नेट पर सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं कुछ, तो ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ें यूज़ करते देखते हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। इसमें टू यू टी सी
हम लिखेंगे। बाकी कहते हैं मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए ये आपने लिखा ए, हम ए पे परफॉर्म करेंगे जैसे कि यहाँ पर हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है डी पे परफॉर्म हो रहा है, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था डी मतलब वेरिएबल जो बनाया था टू यू टी सी स्ट्रिंग, तो आपका ये करेगा क्या देख लेंगे आप, ए डॉट मतलब कि इस पे हम ऑपरेट करेंगे स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी, आपका पूरा जो है वो फंक्शन है, इसको करेंगे हम सेव। सेव के बाद जैसे ही इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ये सब चीज़ें जो पहले थी वो सारी चली गई हैं, जो मेन चीज़ है वो हमारे पास आ गई है। अगर आपको और रीडेबल बनाना है, इसे थोड़ा सा और रीडेबल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं टू डेट स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए, तो इसे यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है टू डेट स्ट्रिंग मेथड इसको रीडेबल बनाने के लिए, तो इसको भी यूज़ करके देखेंगे हम डी ए टी डेट स्ट्रिंग, इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मंडे सेप्टेम्बर 11, 2017 जो कि सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली रीडेबल है, क्योंकि टाइम हमें हमेशा नहीं चाहिए होता है, ये आपको चाहिए रहता है, तो आपका ये चीज़ आपकी डायरेक्टली आ जाएगी। सो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट डेट्स को डिस्प्ले कराना आ गया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।